हाय गाइस, वेलकम बैक टू वीडियो लेक्चर सीरीज ऑन सीकैट एग्जाम व्हिच इज एंट्रेंस एग्जाम फॉर सीडैक। आज हम जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है रिलेशन 1D एरे और पॉइंटर का। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एरे का इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन, उसको एक्सेस कैसे करना है, उसके एलिमेंट को ये देखा था, राइट? अब सबसे पहले मैं वापस से एक एरे निकाल लेता हूँ। तो इसमें क्या रहता है, ये मेमोरी है, इसमें ऐसे छोटे छोटे सेक्शंस होंगे, राइट? ये दूसरा सेक्शन और ये तीसरा सेक्शन, ये तीसरा सेक्शन एंड फाइनली चौथा। तो नाउ इसमें इंडेक्सिंग मैंने बोला था, ये इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, राइट? तो यहां पर क्या रहेगा, सबसे पहले यहां पर रहेगा, लेट्स से इस एरे का नाम है ए, तो इस पर सबसे पहले क्या रहेगा, ए ऑफ 0 रहेगा, राइट? ए ऑफ 0 के बाद में क्या रहेगा, दूसरे वाले को नाम क्या रहेगा, ए ऑफ वन, करेक्ट है? ए ऑफ वन। नाउ तीसरे वाले को नाम क्या रहेगा, ए ऑफ टू, राइट? और सिमिलरली गोइंग ऑन, चौथे वाले को नाम रहेगा ए ऑफ थ्री, पता नहीं क्यों यार कंप्यूटर लैग कर रहा है आज, ए ऑफ फोर। नाउ अब इसमें कुछ वैल्यू स्टोर रहेंगे, लेट्स से इंटीजर टाइप का एरे है तो इसमें वैल्यूज क्या स्टोर रहेंगी, थ्री, चला गया भाई थ्री, ओके। उसके बाद स्टोर रहेगा फोर, उसके बाद क्या करें, सेवन लिख देते हैं, और सेवन के बाद नाइन, नाउ वैल्यू स्टोर हो गई, इनका कुछ एड्रेस होगा क्योंकि इंटीजर टाइप है। तो अगर पहला एड्रेस लेट से हम 400 लेते हैं तो उसके आगे वाला क्या आएगा, 404, राइट? 404, उसके आगे वाले क्या आएगा, 408। आई होप आपको यह समझ रहा होगा कि एड्रेसिंग कैसे हो रही है। उसके आगे वाला क्या आएगा, 412 एंड गोज ऑन, लास्ट वाला आएगा 416। नाउ अब ये क्या है, ये एक एरे है, राइट? ये जो पूरा का पूरा है वो एक एरे है, ये एरे हो गया। नाउ अब हमें क्या करना है, हमें इसका रिलेशन देखना है पॉइंटर के साथ। पॉइंटर क्या करता है, पॉइंटर एड्रेस स्टोर करता है। उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है, ओके? नाउ अगर हमें एरे की वैल्यू एक्सेस करनी है तो हम लिखते हैं एरे का नाम और उसका इंडेक्स, राइट? मतलब हमें कौन से इंडेक्स की वैल्यू चाहिए वो। लेकिन मतलब जब हमें कोई भी वैल्यू प्रिंट करनी होगी तो हम क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ, उसके बाद उसका एक्स स्पेसिफायर, लेट से अगर ये एरे इन टाइप का है तो हमें लिखना पड़ेगा परसेंट डी, ब्रैकेट कंप्लीट, कॉमा, और एरे का इंडेक्स, लेट से इस केस में वो है वन, ओके, वन, ऐसे लिखना पड़ेगा।
आई होप इट्स क्लियर कि प्रिंट एफ का स्टेटमेंट कैसे लिखा जाता है। तो ये होने के बाद अब हमें क्या करना है, मेरा सवाल ये है कि अगर मैं सिर्फ एयर को प्रिंट करूं तो क्या होगा। ओके, प्रिंट एफ में सिर्फ अगर एयर को प्रिंट करूं, नाउ एयर को प्रिंट करने के बाद मैं चाहता हूं कि आप मुझे आंसर बताएं कि इसका आउटपुट क्या आ सकता है। ठीक है, आई एम वेटिंग। ओके, सो जिन्होंने राइट आंसर दिया होगा, देखते हैं क्या राइट आंसर है और क्या रॉन्ग आंसर है। अब जिनको लगता होगा कि हम जब एयर प्रिंट करेंगे तो पहली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। ओके, क्योंकि एयर जो है वो भी एक टाइप का पॉइंटर ही है। एरे इज अ काइंड ऑफ पॉइंटर। ओके, एरे भी एक पॉइंटर ही है, लेकिन उसके पास एक एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी है कि वो कंजिकेटिव एड्रेसेस को अपने अंदर रेफरेंस दे सकता है। ठीक है, मतलब क्या, एरे में क्या स्टोर रहता है, मतलब ये जो हमारा एर नाम का वेरिएबल है उसमें क्या स्टोर है, उसके लिए हम एक सिंपल सा प्रोग्राम लिख लेते हैं। ठीक है, लेट से मैंने यहाँ पर एक फ्लोट नाम का एरे बनाया है जिसमें मैंने वैल्यू स्टोर की है 1 2 3। नाउ अब जब मुझे प्रिंट करना है, प्रिंट एफ, सबसे पहले लिखूंगा फॉर्मेट स्पेसिफायर, फ्लोट के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंट एफ। उसके बाद में लिखूंगा मुझे अगर एर का फर्स्ट इंडेक्स चाहिए तो मैं क्या लिखता हूँ, ए ऑफ 0। इज इट करेक्ट, एक बार रन करके देख लेते हैं। ओके, जब भी मैं इसे रन करता हूं तो देखिए 1 प्रिंट हो रहा है, ये क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या है 1, तो ये 1.00 प्रिंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये फ्लोट वैल्यू है इसलिए। नाउ लेट्स से मुझे a ऑफ 0 नहीं, सिर्फ a प्रिंट करना है। ओके, सिर्फ a प्रिंट करना है तो क्या होगा, अब उसने वार्निंग फॉर्मेट परसेंट, ओके ओके सॉरी सॉरी, परसेंट एफ नहीं चलेगा यहाँ पर, परसेंट यू या फिर परसेंट डी लिखना पड़ेगा। नाउ अब यहां पर ये देखिए इसने क्या प्रिंट किया है, वार्निंग परसेंट डी एक्सपेक्ट आर्गुमेंट ऑफ टाइप एन। अब इनका क्या कहना है कि ये एड्रेस है, मतलब ये इंटीजर टाइप का नहीं है, एड्रेस है, तो एक बार परसेंट यू यूज करके देखते हैं। इसने क्या किया है, ये जो हमें लास्ट में आउटपुट मिला है ना, ये -9129, ये एड्रेस है किसका, जहां पर ये फर्स्ट वैल्यू स्टोर हुई है। ओके, मतलब जब हम यहां पर लेट से परसेंट यू लगाते हैं, क्योंकि एड्रेसेस बहुत बड़े बड़े होते हैं ना, तो जब भी वो क्रॉस कर देता है तो उसके लिए, अब देखिए यहां पर परसेंट यू मतलब ये क्या है, एड्रेस है किसका, ए का, ए कौन सा, पहला वाला, मतलब ये 1 कहां पर स्टोर है, यहां पर। अब इसका प्रूफ क्या चाहिए, प्रूफ देना पड़ेगा मुझे, तो मैं प्रूफ देता हूं, मुझे पहले इसका एड्रेस चाहिए, राइट। तो मैं क्या करूंगा, इसे एड्रेस करने के लिए हमें उसके आगे क्या लगाना पड़ता है, एंड परसेंट। अगर हमें किसी भी चीज का एड्रेस चाहिए तो हमें उसके आगे लगाना पड़ेगा एंड परसेंट। अब ये जो है ए, ये 1 का एड्रेस स्टोर कर रहा है। ओके, एड्रेस ऑफ ए अलग होगा, नुस्तो एड्रेस ऑफ नहीं चाहिए, हमें उसका पहला एलिमेंट चाहिए, तो हम उस पर लिखेंगे 0। मतलब मेरा क्या कहना है कि ए जो है वो फर्स्ट के एड्रेस को स्टोर करता है, तो उससे प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ए ऑफ फर्स्ट जो है उसका एड्रेस प्रिंट करना पड़ेगा, राइट। तो जब अब मैं इसे रन करूंगा तो ओके बहुत ओके ओके जस्ट गिव मी अ मोमेंट, क्योंकि ये दोनों अटैच होकर आ गए हैं इसलिए इतना गंदा दिख रहा है। इसमें मैं एक स्लैश टी दबा देता हूँ जिससे इसमें एक स्पेसिंग आ जाएगी। नाउ अगर आप ये दो नंबर्स देखें, 1168 34 1168 34 71 64, दोनों सेम ही है, मतलब क्या, ए जो है वो फर्स्ट के एड्रेस को स्टोर कर रहा है, ए जो है वो 1 के एड्रेस को स्टोर कर रहा है, और ए ऑफ 0 का एड्रेस क्या है, सेम है। आई होप इट्स क्लियर टू यू कि ए क्या है, मतलब ए क्या है, ए भी एक काइंड का पॉइंटर ही है। मतलब लेट्स से अब मुझे, मैंने एक वेरिएबल ले लिया इंट स्टार पी, मतलब क्या, पॉइंटर नाम का वेरिएबल है, और अब मुझे इसे इनिशियलाइज करना है। कॉमनली लेट्स से अगर कोई भी बी नाम का वेरिएबल है, ठीक है, तो हम इसे इनिशियलाइज कैसे करते हैं, पॉइंटर को, बी का एड्रेस दिया जाता है पॉइंटर वेरिएबल को, राइट,
का एड्रेस ऑफ बी टू पॉइंटर, ऐसे डिक्लेयर किया जाता है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर एरे, और मैं क्या कह रहा हूं, एरे एक टाइप का पॉइंटर है, तो क्या ऐसा चलेगा क्या? ओके ओके जस्ट अ मिनट, क्योंकि यह फ्लोट टाइप का एरे है इसलिए इसने ले लिया। एक बार इसे भी फ्लोट का बना देते हैं, आई होप ये चल जाए, लेट्स सी। ओके नाउ इस, क्या इसने कोई एरर दिया? एरर मतलब क्या है? ये सब जो है वो वार्निंग है। वार्निंग क्यों आ रही है? क्योंकि एड्रेस प्रिंट करते टाइम वार्निंग आएगी। लेकिन अगर आप देखें तो हमें ये जो है हमारी लाइन नंबर कौन सी है, ये लाइन नंबर है 7। तो इसने हमें लाइन नंबर 7 पर कोई भी एरर नहीं दिया। ये देखिए C7 परसेंट यू इज एक्सपेक्टेड, मतलब ये प्रिंट का ही एरर बोल रहा है। ओके लेकिन हमें इसने वो जो हमने पी के लिए किया था उसका कहीं पर भी एरर नहीं दिया, राइट? तो इसका मतलब क्या, अब ए के अंदर जो एड्रेस था वो पी के अंदर स्टोर हो चुका है। लेट्स सी, प्रिंट करके देखते, ठीक है? यहाँ पर मैं ये लाइन को मिटा देता हूँ और इसके नीचे, क्योंकि हमने पी पर यहाँ पर इंसर्ट किया। ओके तो अगर मैं यहाँ पर लिख दू पी तो क्या होगा? मेरा कहना है कि ये सेम ही आनी चाहिए दोनों एड्रेस। ओके देखिए दोनों एड्रेस सेम है। अब एड्रेस बार बार बदल क्यों रहे? क्योंकि हर बार जब वो कंपाइल होगा तो हर बार उसको अलग अलग एड्रेस मिलेंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है, ये दोनों भी क्या है, सेम एड्रेस है। मतलब हम जो एरे वेरिएबल लेते हैं ये ए, ये क्या है, ये भी काइंड ऑफ पॉइंटर है जो किसको पॉइंट करता है, उसके फर्स्ट एलिमेंट को, राइट? आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल कि पॉइंटर और एरे का रिलेशन क्या है। नाउ अब नॉर्मली, अब मुझे पता है कि मैं अगर मुझे लेट्स से पॉइंटर से ए की फर्स्ट वैल्यू को प्रिंट करना है, ठीक है? अब मुझे क्या पता है कि ए भी पॉइंटर है और पी भी पॉइंटर है, राइट? तो लेट्स से अब मैं पी को यूज करके फर्स्ट वैल्यू को, मतलब इस वन को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? नॉर्मली जब हम पॉइंटर्स को प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं तो हम क्या करते हैं, पॉइंटर्स के अंदर जो वैल्यू स्टोर रहती है उसको उसको हम स्टार लगा देते हैं डी रेफरेंसिंग के लिए। तो मेरा जो कहना है वो ये है कि जब भी मैं यहाँ पर परसेंट एफ ऐसा लिखूंगा और यहाँ पर स्टार पी लगाऊंगा, स्टार पी मतलब क्या, पी को डी रेफरेंस करना, मतलब पी के अंदर जो एड्रेस स्टोर है उस एड्रेस की वैल्यू, पी के अंदर किस क्या स्टोर है, पी के अंदर वही एड्रेस स्टोर है जो ए के अंदर स्टोर था। ए के अंदर कौन सा एड्रेस स्टोर है, वो एरे का फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, फर्स्ट एलिमेंट एड्रेस मतलब फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 1। मतलब जब हम पी को डी रेफरेंस करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 1। लेट्स सी। ओके अब जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो ये पहला का प्रिंट हुआ, पहला एड्रेस ही प्रिंट हुआ है, राइट? और दूसरा का प्रिंट हुआ परसेंट एफ, मतलब फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट हो गया, देखिए 1 और 1। आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। अब ये होने के बाद हमें, अब हमें ये पता चल गया कि हम पॉइंटर का इस्तेमाल करके एरे के फर्स्ट एलिमेंट को कैसे प्रिंट कर सकते हैं, राइट? लेकिन अब सवाल ये है कि हम एरे के सेकंड एलिमेंट को कैसे प्रिंट करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले पी तो जीरो है, पी बाय डिफॉल्ट जीरो पोजीशन को इंडिकेट करता है, ऐसा मान लीजिए, ठीक है? अब हमें जीरो के आगे क्या, उसके आगे की एक पोजीशन चाहिए, मतलब हमें उसमें क्या क्या ऐड करना पड़ेगा, 1, राइट? तो उसके लिए यहां पर मैं लिखूंगा +1। तो अब मेरा लॉजिक ये है कि पी कहां पर पॉइंट कर रहा था, 1 को, पी प्लस वन कहां पॉइंट करेगा, 2 को। जब मैं इसे डिरेफरेंस करूंगा तो मुझे यहां पर आंसर मिलना चाहिए 2। ओके और लेट्स से रन करके देखता हूं। ओके तो मुझे यहां पर मिल गया। Now, जब भी मैं जस्ट अ मिनट, ओके सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, तो हम क्या देख रहे थे, अब ये P प्लस वन प्रिंट हो गया, P प्लस वन मतलब क्या, P वन को पॉइंट कर रहा था और प्लस वन मतलब अब वो यहां पर सेकंड इंडेक्स को, मतलब 2 को पॉइंट करेगा। वैसे ही अगर मुझे थर्ड इंडेक्स चाहिए तो मुझे यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, P प्लस 2। आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। देखिए यहां पर 3 प्रिंट हो गया। अब एक और सवाल, अगर मैं यहां पर ये हटा दू, ओके मतलब डिरेफरेंसिंग करना उसे छोड़ दू, तो क्या प्रिंट होना चाहिए? मतलब लेट से मैं यहां पर पी प्लस वन लिखता हूं, हमें यहां से क्या मिल रहा है, पी का एड्रेस मिल रहा है। ए और पी क्या है, ए और पी एक ही एड्रेस को स्टोर कर रहे हैं,
क्या कर रहा है, हमें यहाँ पर ए का यानी कि पी का ही एड्रेस मिल रहा है, और पी प्लस वन मतलब क्या, इसके आगे का मुझे बताइए कि इसके और इसके एड्रेस में सेम तो नहीं हो सकता, राइट? सेम तो नहीं होगा, लेकिन डिफरेंस कितने का होगा ये जानना है मुझे। ओके, तो देखते हैं डिफरेंस कितने का है। अब अगर आप यहाँ पर देखें, ओके, ये परसेंट एफ नहीं होना चाहिए, एड्रेस प्रिंट कर रहा है इसलिए परसेंट यू। ओके, डन। नाउ अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये स्टार्टिंग के सभी एलिमेंट लगभग सेम है, सिर्फ ये लास्ट के दो देखिए, यहाँ पर क्या है 48, 52, बाकी के सब नंबर सेम है। तो 48 और 52 में कितने का डिफरेंस है, चार का। मतलब पहले वाले में और दूसरे वाले में कितने का डिफरेंस है, चार बिट का। एक इंटीजर की साइज क्या होती है, चार। मतलब ये यहां से शुरू हुआ 48 से और 51 तक कौन जाके बैठा है, वन, और उसके आगे 52 से आगे कौन जाके बैठा है, टू। मतलब जब हम ए प्लस टू को प्रिंट करेंगे तो क्या आंसर आना चाहिए, देखिए। अब इनमें भी 84 और 88, चार का डिफरेंस आया। तो दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू कि पॉइंटर और एरे जो है उसमें या तो क्या सिमिलरिटीज है या फिर क्या डिफरेंस है। आई होप इट्स क्लियर। मतलब क्या, आई होप आपको समझ में आ गया कि जब हम पी प्लस वन भी कर रहे हैं तो एड्रेस कितने एलिमेंट से आगे जा रहा है, एड्रेस जा रहा है चार एलिमेंट से जाके, जो कि क्या है, वेरिएबल फ्लोट की साइज है। अब लेट से अगर हम यहाँ पर डबल ले लेंगे, ओके, डबल ले लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर भी देखते हैं डबल लेके। नाउ अब डबल का साइज क्या होता है, एट। मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि इन दोनों में कितने का डिफरेंस आना चाहिए, ए मतलब फर्स्ट एलिमेंट और ये पी प्लस वन मतलब सेकंड एलिमेंट में कितने का डिफरेंस आना चाहिए, एट का। देखते हैं 48 और 56 कितने का डिफरेंस है, एट का। आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। क्या हम ए प्लस वन लिख सकते हैं, प्लीज कमेंट में बताइए। जैसे कि हमने यहाँ पर पी प्लस वन लिखा है, क्या हम ए प्लस वन लिख के सेकंड एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, करके देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर भी कितने का डिफरेंस आया, डबल जीरो और 0, 8, 8 का डिफरेंस आ गया। तो आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ये सब क्या है, पॉइंटर एरिथमेटिक है। हमने क्या क्या देखा, एरे को पॉइंटर का यूज करके एक्सेस कैसे करना है। अब इसमें एक और कंसेप्ट है, बेस एड्रेस। बेस एड्रेस मतलब क्या, ए में जो एड्रेस स्टोर है उसे बोलेंगे बेस एड्रेस।